मूवी का स्टार्ट रॉयल स्कूल फेयर से होता है, जहां हर स्टूडेंट को चूज करना होता है वो कौन से स्कूल में जाए। हर स्कूल का टेंट होता है और हर स्कूल खुद को स्टूडेंट के लिए खुद को प्रेजेंट करता है। सोफिया अपने सिबलिंग के साथ फेयर में आती है और सब क्लियो और विवियन से मिलते हैं और दोनों डिसाइड करती हैं कि वो परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी जाएंगी। सोफिया स्पोर्ट टेंट को देख के बहुत एक्साइटेड होती है। सोफिया दूसरे टेंट्स को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, बट एम्बर सोफिया को वॉल ऑफ द नेक्स्ट स्टेप दिखाती है, जो कि ओल्ड ट्रेडिशन होता है, जहाँ स्टूडेंट खुद चूज करते हैं जो टेबल पर लिखा होता है और वो जो पर्सन ट्रिक करता है उसे देते हैं और वो उसे स्टोन में कन्वर्ट करके वॉल पे लगा देते हैं। सोफिया रेडी होती है सब टेंट विजिट करने के लिए, बट एम्बर सोफिया को जो उसने टेंट पिक किया होता है वहाँ लेके जाती है एवरल अकेडमी, जो फ्यूचर एडवाइजर और रोलर का स्कूल होता है। जेम्स डेसमंड से मिलता है, जो नाइट ट्रेनिंग टेंट में होता है। जेम्स डेसमंड से पूछता है क्या मैं गुम हो गया हूँ, ये साइंस एंड आल्केमी टेंट है। डेसमंड डिनाई करता है और जेम्स के साथ अपना हीरो बनने का ड्रीम पूरा करता है। जेम्स डेसमंड को इनकरेज करता है, बट डेसमंड श्योर नहीं होता वो अच्छा नाइट बनेगा या नहीं। फिर टेंट में जेम्स और डेसमंड सर से मिलते हैं। सर उन्हें कुछ स्किल्स बताता है जो उन्हें यहाँ लर्न करने हैं। सर बुल आई को हिट करता है और अपने स्टूडेंट को भी हिट करने को कहता है, बट डेसमंड से मिस हो जाता है और अब डेसमंड अपसेट हो जाता है कि वो ग्रेट नाइट नहीं बन सकता। दूसरी तरफ एम्बर सोफिया को एवरल एकेडमी दिखाती है और सोफिया को कहती है एक दिन तुम मेरी रॉयल एडवाइज़र बनोगी। किंग हबीब सबको एक्सप्लेन करते हैं कि सब कैसे अपने किंगडम्स के लिए कोट ऑफ आर्म्स ड्रॉ करेंगे और स्टूडेंट सिर्फ 3 सैम्बल ड्रॉ करेंगे। सोफिया हार्ट और फैमिली सैम्बल ड्रॉ करती है और एम्बर ज्वेल्स ड्रॉ करती है। एम्बर सोफिया को अपने साथ स्कूल में रहने को कहती है, बट सोफिया कहती है मुझे और टेंट्स देखने हैं। सोफिया आर्ट एकेडमी से म्यूजिक की वॉइस सुनती है और चली जाती है और सोफिया के चेहरे से एम्बर हैप्पी नहीं होती। सोफिया आर्ट्स एकेडमी जाती है और क्लियो और विवियन म्यूजिक प्ले कर रही होती हैं और सोफिया आर्ट्स टीचर से भी मिलती है और हिल्डेगार्ड भी टेंट में आती है। टीचर दोनों को स्कूल दिखाता है, बट हिल्डेगार्ड इंटरेस्टेड नहीं होती क्योंकि हिल्डेगार्ड क्लियो को लेने आती है, बट क्लियो म्यूजिक में बिजी होती है और रिएक्ट नहीं करती। हिल्डेगार्ड क्लियो को ले जाने का ट्राई करती है, बट क्लियो इग्नोर करती है और हिल्डेगार्ड गुस्से में चली जाती है। क्लियो और विवियन अपनी चॉइसेस राइट करती हैं और सोफिया को ज्वाइन करने को कहती हैं। सोफिया मना कर देती है और अदर टेंट्स देखने जाती है। चाहते हुए सोफिया जून से मिलती है और सोफिया सोचती है जून को भी मेरी तरह टेंट चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट एक्चुअल में जून का पेन ख़राब होता है। जून कहती है नो, मैंने अपना टेंट चूज कर लिया है। सोफिया पहले स्पोर्ट्स टेंट जाती है, फिर फैशन टेंट जाती है और लास्ट में एडवेंचर टेंट जाती है। सब टेंट्स देखने के बाद भी सोफिया स्टिल कंफ्यूज होती है कि वो कौन सा टेंट जाए। सोफिया के फ्रेंड सोफिया को प्रेशर करते हैं कि फाइनली चूज कर लो। डेसमंड सोफिया को नाइट ट्रेनिंग करने को कहता है। सोफिया कहती है चलो ट्राई करते हैं। सोफिया हॉर्स पे बैठती है और फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छा अटेम्प्ट करती है। डेसमंड ट्राई करता है, बट अनफॉर्चुनेटली डेसमंड से मिस हो जाता है और एरो सीधा आल्केमी टेंट के पोशन पे गिरता है और पोशन की वजह से आर्मर में लाइफ आ जाती है। डेसमंड डिसअपॉइंटेड होता है, कहता है मैं कभी अच्छा हीरो नहीं बन सकता। डेसमंड डिसाइड कर लेता है कि वो साइंस और एकेडमी टेंट जाएगा। एम्बर आती है और सोफिया से टेंट का पूछती है। सोफिया कहती है मेरे लिए टेंट चूज करना बहुत मुश्किल है। एम्बर वरिड होती है, कहती है अगर तुमने डिसाइड नहीं किया तो कोई भी स्कूल नहीं बचेगा। सोफिया कहती है ये बहुत मुश्किल है वन डे में डिसाइड करना। फिर सोफिया के फ्रेंड सॉन्ग के थ्रू सोफिया को बहुत प्रेशर करते हैं डिसीजन लेने के लिए, बट सॉन्ग की वजह से सोफिया ब्रेकडाउन हो जाती है। सोफिया अपना पेपर पेन फेंक के चली जाती है। तभी फौरा आती है और अनाउंस करती है टाइम हो गया है द वॉल ऑफ नेक्स्ट स्टेप को रिवील करने का। सब स्टूडेंट फौरा को फॉलो करते हैं। तभी एम्बर सोफिया के पेपर उठाती है, कहती है ये रॉन्ग है सोफिया के लिए स्कूल सिलेक्ट करना, बट ये हेल्पफुल भी है। डेसमंड जेंडर की हेल्प करता है आर्क्यूमी टेंट क्लीन करने में, जो उसकी वजह से मैसअप हुआ है। डेसमंड सैड हो जाता है। जेम्स कहता है अपने ड्रीम्स के गिव अप मत करो, बट डेसमंड कहता है मैं साइंस को ही बिलोंग करता हूँ। फेरिस स्टूडेंट्स को वॉल की तरफ लीड करती है। एम्बर सोफिया के पास जाती है और बताती है मैंने तुम्हारे लिए स्कूल चूज कर लिया है। सोफिया ये सुन गुस्सा हो जाती है कि मेरी परमिशन के बगैर तुमने क्यों चूज किया। एम्बर हर्ट होती है, कहती है मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही थी। सोफिया एम्बर की बात नहीं सुनती और अपने प्लेट वॉल से हटाने जाती है।
एलेक्जेंडर डेसमंड और जेम्स नोटिस करते हैं आर्मर सूट टेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। डेसमंड जेम्स को एक्सप्लेन करता है कि पोशन की वजह से ऐसा हुआ है। डेसमंड कहता है मैं इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए पोशन रेडी करता हूँ। सोफिया आ रही होती है बट आर्मर सोफिया पे अटैक करता है और जाने नहीं देता। जेम्स और लेके आता है और सोफिया को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है बट नहीं रोक पाते। डेसमंड पोशन लेके आता है और जेम्स को देता है। जेम्स पोशन आर्मर पे डालता है और आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सोफिया वॉल देखते जाती है और एम्बर सोफिया के पीछे जाती है। डेसमंड को हीरो डिक्लेयर करते हैं और डेसमंड को रियलाइज होता है कि हीरो बनने के लिए नाइट होना जरूरी नहीं है। सर कहते हैं काफी सालों से अल्केमिस्ट और नाइट्स मिलकर किंगडम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और फाइनली टाइम आता है वॉल को रिवील करने का। बट सोफिया लेट हो जाती है एम्बर की चॉइस को चेंज करने में। फिर सबको पता चलता है कि सब कौन कौन से स्कूल टेंट जाएंगे। क्लियो और हेल्डिगार्ड एम्बर को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं उसकी चॉइस के लिए। क्लियो और हेल्डिगार्ड सैर होती है, कहते हैं हम सेपरेट तो हो रहे हैं बट हैप्पी भी होते हैं कि वो अपने ड्रीम्स पूरे करेंगी। सोफिया वॉल पे अपनी पिक्चर देख के शॉक हो जाती है। विवियन सोफिया को कॉन्ग्रेचुलेट करती है बट सोफिया मना करती है और अपने प्लेट तोड़ देती है और सब शॉक हो जाते हैं। मैरी वेदर फेरी कंफर्ट करती है बट सोफिया कहती है मैं इतना बड़ा डिसीजन एक दिन में नहीं ले सकती। एम्बर सोफिया को इंसिस्ट करती है, कहती है तुम्हें मेरे साथ कितना फन किया था। सोफिया कहती है मैंने हर टेंट में फन किया था। तभी सोफिया के दूसरे फ्रेंड्स कहते हैं हम भी श्योर नहीं हैं। तभी फेरिस सबको वॉल ट्रेडिशन एक्सप्लेन करती है कि अगर चूज कर भी लिया तो ये चॉइसेस परमानेंट नहीं है, तुम जब चाहो चेंज कर सकते हो। और मैरी वेदर फेरी अपने भी इंसिडेंट बताती है कि उसे भी कितनी प्रॉब्लम हुई थी। फिर फेरिस वॉल को चेंज कर देती है और सारे स्टूडेंट्स के वोट्स होते हैं। कहती है स्टूडेंट को चॉइस करनी होगी बट स्टूडेंट जब चाहे चॉइस चेंज कर सकते हैं अगर वो श्योर नहीं है। फिर सब स्टूडेंट जाते हैं और अपनी चॉइस लिखते हैं। एम्बर सोफिया को सॉरी करती है, कहती है मैं बस नहीं चाहती थी हम अलग हो। सोफिया एम्बर को माफ़ कर देती है, कहती है कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लेना। और एंड पे सोफिया एवरेल एकेडमी चूज करती है। सब मिलकर इंजॉय करते हैं। यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।